ये पूर्ण रूप से एक प्रायोजित मर्डर है। डीएमएसपी के इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर सैकड़ों लाठी मारा गया जान मारने के प्रयास से। बिहार में भाजपा नेताओं का विधानसभा मार्च के दौरान हुए पुलिसिया लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, डीएम एसएसपी समेत 6 लोगों के खिलाफ कम्प्लेन केस दर्ज करने का आवेदन किया गया है। कम्प्लेन में हत्या और हत्या के प्रयास, छेड़खानी समेत कई अन्य आरोपों के तहत पटना सिविल कोर्ट में केस फाइल की गयी है। भाजपा नेता कृष्णा सिंह कुल्लू की ओर से सीजेएम कोर्ट में कंप्लेंट केस के लिए एप्लीकेशन दिया गया है। अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने दी मामले की जानकारी। देखिए, दिनांक 13/7/2023 को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार विधानसभा घेराव के लिए गांधी मैदान से शांतिपूर्वक पैदल मार्च विधानसभा के लिए निकाला गया था, जिसमें बिहार प्रदेश के सैकड़ों वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण एवं यहाँ के तमाम कार्यकर्तागण उपस्थित हुए थे, उस मार्च में सम्मिलित हुए थे और शांतिपूर्वक विधानसभा की ओर जा रहे थे कि अचानक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं तेजस्वी यादव के दबाव में आकर के बिहार पुलिस के जो हत्यारा पुलिस है, जो सीनियर एसपी, डीएम एवं अन्य पुलिसकर्मी जो बर्बरता पूर्वक निरीह लोगों पर जिस तरह से लाठी चार्ज किया, उसमें एक व्यक्ति विजय कुमार सिंह की हत्या हो गई। ये पूर्ण रूप से एक प्रायोजित मर्डर है तथा कृष्ण कुमार सिंह कल्लू जो परिवादी हैं इस केस का, उनको भी निर्मम तरह से बिहार पुलिस के जवान एवं डीएमएसपी के इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर सैकड़ों लाठी मारा गया जान मारने के प्रयास से, जो कि जख्मी होकर के इनका पटना मेडिकल हॉस्पिटल पीएमसीएच में इलाज चला और आज इन्होंने उस घटना के लिए माननीय व्यवहार न्यायालय पटना में सीजीएम के यहाँ आज परिवार पत्र दाखिल किया है। धारा लगाया इसमें 302, 323, 341 एवं महिला कार्यकर्ता के साथ छेड़खानी हुआ उसके लिए 354 भी लगाया गया है। किन किन परिवाद दायर किया? परिवाद पत्र श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार पर, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश एवं डीएम पटना तथा सीनियर एसपी पटना, थाना अध्यक्ष गांधी मैदान एवं कोतवाली थाना अध्यक्ष एवं तमाम वहां उपस्थित जो पुलिसकर्मी थे, जो मारपीट में सम्मिलित थे, उनके विरुद्ध किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं लाठीचार्ज को लेकर केस फाइल कराने वाले भाजपा नेता कृष्णा सिंह कल्लू का क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 13 तारीख को विधानसभा मार्च का घेराव किया गया था, जिसमें बिहार प्रशासन के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बर्बरता तरीके से लाठी चार्ज किया गया। कई कार्यकर्ता जो घायल हो गए, वहीं पर एक कार्यकर्ता जो हैं विजय सिंह जहानाबाद के, उनकी मृत्यु हो जाती है और कहीं ना कहीं इसमें 302 का मुकदमा इन तमाम लोगों पर चलना चाहिए। इसलिए आज हम लोगों ने परिवाद दायर किया है पटना व्यवहार न्यायालय में, पटना डीएम पे, पटना एसएसपी पे, मुख्यमंत्री जी पे और उप मुख्यमंत्री के अलावा 200 पुलिसकर्मी, थाना अध्यक्ष के ऊपर हम लोगों ने परिवारवाद दायर किया। निश्चित तौर पे इन तमाम लोगों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये हत्यारा सरकार है, ये हत्या के नियत से ये प्रशासन को, लोगों को लगाया गया था। आज इसमें नीतीश कुमार कामयाब हो गए और हम लोग ठहरने वाले नहीं हैं। न्यायालय से भी आगे अगर जाना कहीं पड़े तो हम जाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि 13 जुलाई को बीजेपी नेताओं पर हुए पुलिस की लाठीचार्ज और पार्टी के नेता विजय सिंह की मौत को लेकर भाजपा नेताओं में भारी आक्रोश है, जिसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा बनाई उच्च स्तरीय जांच टीम पटना पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर ये दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर मिर्च का पाउडर फेंका गया और पत्थर से हमला किया गया। पंजाब के सी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।